सो गाइस, अब सब जानते हैं कि खुशी और विवेक की कंट्रोवर्सी यूट्यूब पे कितना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि दोनों में से कोई भी आके सामने कुछ भी नहीं बोल रहा है और सबको ये जो रिएक्शन चैनल्स हैं उनके थ्रू पता चल रही है चीजें कि अभी इन लोगों की लाइफ में ये हो रहा है, अभी इन लोगों की लाइफ में ये हो रहा है, इन लोगों का डाइवोर्स होने वाला है वगैरह वगैरह। पर दोनों के मुंह से हमने अभी तक कुछ भी नहीं सुना है और ऑडियंस उनकी काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि वो लोग कुछ आके बोले अपने मुंह से, क्योंकि ऐसे अरे गहरे बातों पर लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली में चीजें क्या है, विश्वास नहीं कर पा रहे। थोड़ा थोड़ा लोगों ने बिलीव करना शुरू किया जब खुशी और विवेक के चैट्स लीक हुए, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स लीक हुए, पर वहां पर भी कुछ लोगों का कहना था कि ये पूरी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, ये बस अपने मतलब की रिकॉर्डिंग को लीक किया गया है, जहां पे सिर्फ गाली गलौज हो रही है, ना उसके आगे ना उसके पीछे की कोई चीज लीक हुई है। तो ये सारी चीजें थी। वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता श्रुत रिएक्शंस। यहाँ पे हम आपके फेवरेट ब्लॉगर्स और ट्रेंडिंग कॉन्ट्रोवर्सीज के रिएक्शंस लेकर आते रहते हैं। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो यहाँ पर लखनीत ने कन्फर्म करा है कि खुशी और विवेक का डाइवोर्स हो चुका है। जिन लोगों ने हमारे घरों में आग लगाने की कोशिश करी है वो लोग खुद आज अपना कर्मा भुगत रहे हैं, उनको कर्मा हिट कर रहा है। आप लोग इस ऑडियो को सुनिए जो यहाँ पे लखन भैया ने बोला है। आज चलो, आज भगवान ने सब चीजें ठीक कर दी, आप लोगों ने देखा, और जो कर रहे हैं उनको कर्मा को हिट कर रहा है भाई। लखन भैया के घर में बीते दिनों क्या क्या चीजें हुई है, कितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हुए हैं उनके फैमिली के साथ में, उनके मम्मी पापा के साथ में, उनके भाई बहनों के साथ में, और कहीं ना कहीं इन सब के वजह कुछ लोग थे जिनको उन्होंने ठहराया कि कुछ ऐसे लोग थे जो हमारे घरों में आके आग लगाने की कोशिश किए, बहुत सारे कोशिशें की कैसे इन लोगों में ना बने, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा मजा आ रहा था कि इन लोगों की जो फैमिली है वो ऐसे ही अलग रहे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना आग लगाने के बाद बस लड़ाई झगड़ा ही देखना पसंद करते हैं, एकता देखना पसंद नहीं करते हैं। उन लोगों को लगता है अरे इन लोगों में कैसे बन रही है, और जब लड़ाई होती है तो बहुत मजा आ रहा था। उनमें से कोई एक खुशी विवेक भी थे, आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से इन्होंने लखनीत को बदनाम करने की कोशिश करी थी। दो दो तीन तीन घंटे लाइव आते थे, इसी बहाने इनको अपना चैनल भी चलाना था क्योंकि इनका चैनल डाउन चला गया था, और इसी बहाने माँ बाप को देखा कि किस तरीके से इस हद तक माँ बाप को मैनिपुलेट कर दिया गया था कि जाकर वो दुश्मनों से मिल रहे थे मुंबई में खुशी विवेक से, और ये सारी कहानियां। लेकिन कहते हैं ना कि एक ना एक टाइम पे कर्मा लोगों को हिट करता है, और शायद यही कर्मा, ऑडियंस का कहना है कि ये कर्मा हिट कर रहा है लोगों के। दूसरे के घर में वो लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, आज उनके खुद के घरों में आग लग चुका है। और कहीं ना कहीं देखो क्लैरिटी देखने को मिल रही है कि जैसे ही उनके घर में आग लगी वैसे ही लखन के घर में प्यार बढ़ने लगा। तो माँ बाप के बॉन्डिंग को भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से माँ बाप से बॉन्डिंग है अभी फिलहाल इन लोगों की, और कुछ क्लैरिफिकेशंस भी दिया है इन्होंने टाइम टू टाइम, थोड़ा थोड़ा क्लैरिफाई करते जा रहे हैं कि हमारे घर में कुछ बाहर वाले लोग थे जो ऐसे आग लगा रहे थे, फोन पे बातें करते थे, कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजते थे, कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह तो बनाकर भेजे जाते थे, देखो उन्होंने आपके बारे में ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। जैसे कि लखन भैया ने बताया कि इनके पापा थोड़े से भड़कीले दिमाग के हैं, अंकल जी भड़कीले दिमाग के हैं जो भड़क जाते हैं। जाहिर सी बात है जो पहले टाइम के बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनको इतना सोशल मीडिया का नॉलेज नहीं है, उनको नहीं पता है कि क्या चीजें आजकल एआई के टाइम पे कितनी ज्यादा चीजें एडवांस हो चुकी है, क्या चीजें नहीं बनाया जा सकता है। आज के टाइम पे इंसान दूसरे का शक्ल और दूसरे का शरीर डाल के लगता है कि रियल है, तो ये सारी चीजें आज के टाइम पे, तो ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह तो बहुत ही कॉमन चीजें थी जो बना के भेजा आराम से जा सकता है। जो अंकल जी ने देखे थे और उस पर विश्वास कर लिए थे कि हाँ हाँ लखन तो है ही बुरा, ये सब लखन करवा रहा है, सब लखन ने किया है। लेकिन देखो सच नहीं छुपता, टाइम के साथ में सच्चाइयां पता चलने लग जाती है लोगों को। कहीं ना कहीं फैमिली में सब कुछ ठीक हो चुका है ऑलमोस्ट, हमें देखने को मिलता है अब तो सास बहू में इतनी अच्छी बॉन्डिंग भी दिखाई दे रही है, और काफी अच्छा लगता है देखने के बाद ये फैमिली, क्योंकि जो लखनीत फैमिली है वो शुरू से एक फैमिली ही रही है, और इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी होने के बाद में किसी को भी अच्छा नहीं लगता था देखने में। और चलो उसके बाद आज लखन ने भी क्लियर करा, लखन ने अपने वीडियोस में बताए, कहीं ना कहीं ये इशारा था खुशी और विवेक के तरफ। लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं मुझे लगता है खुशी को ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। चलो किसी को कर्मा हिट कर रहा है, पर खुशी के साथ जो चीजें हो रही हैं मुझे लगता है कई हद तक ये चीजें गलत हो रही हैं, क्योंकि एक माँ को उसके बेटे से दूर करना,
व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग्स लीक करना, चैट्स लीक करना, क्योंकि जाहिर सी बात है खुशी और विवेक अभी लड़ रहे हैं केस, है ना। और सुनने में ये भी आ रहा है कि खुशी को राजा की कस्टडी मिल नहीं रही है, डाइवोर्स कंफर्म हो चुका है कि लोगों का डाइवोर्स हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन जो भी एलुमनी वगैरह होगा, जो भी मिलना होगा वो मिला होगा। पर ऐसा मुझे सुनने में आया कि खुशी की जो कस्टडी है वो खुशी को अभी तो राजा की जो कस्टडी है वो खुशी को अभी नहीं मिल रही है। और तो और एक और नई खबर है कि जो सिमरन है, यानी कि जो खुशी की बहन सिमरन है, उन्होंने भी इंस्टा पे विवेक को अनफॉलो कर दिया है। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि सिमरन तो ऐसे स्टेटस और सब कुछ डालती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत मौज में है, बहन के साथ इतनी सारी चीजें हो गई, सिमरन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो देखो एक टाइम होता है जब इंसान को न्यूट्रल रहना पड़ता है ना, जब आप सोशल मीडिया पे कुछ बता नहीं सकते हो, लगे हाथ उसकी शादी होने वाली है सिमरन की, तो कुछ खुशी भी है कुछ गम भी है, तो इंसान अपने आप को शो नहीं कर पाता है कि वो किस दौर से गुजर रहा है, क्योंकि बहन के लिए वो दुखी भी होगी पर अपने लिए कहीं ना कहीं खुश भी होगी। और उसे दुनिया को ये भी नहीं दिखाना है कि इन लोगों के बीच में क्या चल रहा है, और उसे दुनिया को ये भी नहीं दिखाना है कि इन लोगों के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ डालना तो था नहीं। तो देखो ये सारी चीजें, लेकिन अब जो अनफॉलो किया है सिमरन ने विवेक को, ये बहुत सारी चीजें बता रही है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो खुशी का सोशल मीडिया हैंडल था ये भी खुशी को मिल चुका है, और खुशी को मतलब ऑलमोस्ट हर चीज मिल चुकी है एक्सेप्ट राजा की कस्टडी, क्योंकि जो खुशी के इन लॉज है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो राजा को देना नहीं चाहते हैं, बहुत सारी धाराएं लगा रही है खुशी ने डोमेस्टिक वायलेंस का। और रिकॉर्डिंग्स वगैरह तो आप लोगों ने देखा ही है कि लीक हुई है, पर अभी भी कुछ लोगों का ये कहना है कि इसमें खुशी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि खुशी बेकसूर है, कौन फादर इन लॉ इतना गालियां देता है। तो बिल्कुल हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फादर इन लॉ इस तरीके से नहीं होते हैं, गालियां नहीं देते हैं, पर कुछ लोग एट द सेम टाइम कुछ लोगों का ये भी कहना है कि खुशी का अफेयर चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उससे पहले विवेक ने तीन तीन चार चार अफेयर्स चलाए हैं। तो आज खुशी का चल गया तो क्या हुआ, जब विवेक ने अफेयर चलाया था तो खुशी अलग नहीं हुई, लेकिन आज जब खुशी का अफेयर चल गया तो विवेक डाइवोर्स ले लिया। तो आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना।